प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज 3.3 विभाज्यता की जांच ये विषय पढ़ा। आपकी कक्षा में कुल 22 बच्चों में से केवल 7 बच्चों का होमवर्क मेरे पास आया। उन 7 बच्चों में भी केवल हनेश और नंदिनी ने, केवल 2 बच्चों ने होमवर्क पूरा करके मुझे भेजा है, और एक बच्चा नियति का होमवर्क भी मुझे आया, परंतु नियति ने भी आधा ही होमवर्क किया है, और 3 बच्चे सिमी, नव्या और दिव्यांशी, इन्होंने सिर्फ 3.3 का पहला प्रश्न किया है, बाकी छोड़ दिया है। और गुनगुन का होमवर्क आया तो है, परंतु 3.3 का नहीं आया, वो पिछला होमवर्क उसने भेजा है। तो कुल मिला के 6 बच्चों का होमवर्क प्रश्नावली 3.3 का आया है, और उसमें भी पूरा होमवर्क केवल 2 बच्चों का आया है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपने बच्चे की होमवर्क को करने में हेल्प करें। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है किसी प्रश्न को हल करने में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने वीडियो के साथ ही लिंक में अपना नंबर दिया है, तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपको आती है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रश्न को कैसे हल करवाना है बच्चे से। और सभी बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों, आप जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको रोज करें, उसकी फोटो लेकर ग्रुप में भेजें, तभी हमारा जो ये प्रयास है ऑनलाइन पढ़ाई का, ऑनलाइन पढ़ने का, तभी ये सफल हो पाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं विभाज्यता की जांच से संबंधित प्रश्न, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने नहीं किए हैं, उन पे एक बार फिर से चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.3 में पहले प्रश्न में आपने सिर्फ हाँ और नहीं में जवाब देना था। जो आपके पास खाली स्थान दिए हैं, अगर विभाज्य है तो हाँ लिखना था, अगर विभाज्य नहीं है तो नहीं लिखना था। प्रश्न नंबर 2 था, विभाज्यता की जांच के नियम द्वारा ज्ञात कीजिए कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य और कौन सी 8 से विभाज्य है। दूसरे का है 572। अब 572 में जो 72 है वो 4 से भाग होता है, 18 चौके 72 होता है, 72 4 से विभाज्य। आपने क्या देखना था, जब मैंने विभाज्यता की जांच के नियम आपको बताए, 4 से विभाज्यता के लिए मैंने बताया था कि अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से भाग होती है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। तो 572 में जो 72 है वो 4 से विभाज्य है, क्योंकि 18 चौके 72 होते हैं। अतः 572 4 से विभाज्य है। इस तरह से 4 से विभाज्यता की जांच आपने सभी प्रश्नों की करनी थी। जैसे एक और लेते हैं हम, F 14,560। अब जो 14,560 में अंतिम दो अंकों से क्या बना है, 60। 60 4 से भाग होता है, अतः 14,560 भी 4 से विभाज्य है। ये भी 4 से विभाज्य है।
इसी तरह से आपने इसके बाकी भाग करने थे। 8 से विभाज्यता के लिए आपने अंतिम तीन अंक देखने हैं। जैसे मैं लेता हूं बी, इसका प्रश्न नंबर दूसरे का बी, सात छब्बीस 352। अब आपने क्या करना है, सात छब्बीस 352 में 8 के लिए हम लेते हैं अंतिम तीन अंक, ठीक है। अंतिम तीन अंक से क्या बना, 352। अब देखना है आपने 352 8 से भाग होता है या नहीं होता है, आप भाग करके चेक कर सकते हैं। 8 चौके 32, 5 माइनस 2 3, 2 8 चौके 32। तो 726352 में 352 8 से, ये कॉमा है, विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। अतः जो 726352 है ये भी क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। बच्चों आपने क्या देखना है, 8 से विभाज्यता की जांच के लिए अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या, जैसे 726352 में अंतिम तीन अंकों से क्या बना, 352। और हमने देखा जो 352 है वो 8 से पूरा भाग होता है, तो 726352 भी 8 से भाग होगा। प्रश्न नंबर दो के सभी प्रश्न आपने इस तरह से करने थे। पहले आपने 4 के लिए विभाज्यता की जांच करनी है और उसके बाद 8 के लिए विभाज्यता की जांच करनी है। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरा है, आपको बताना है कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। जैसे पहला है 297,144, 297,144। अब जो 297,144 है ये 6 से भाग होता है या नहीं होता है, बिना भाग की आपको बताना है। देखिए बच्चों, 6 से विभाज्यता की जांच का जो नियम था वो ये कहता है कि कोई संख्या अगर 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है तो वो 6 से भी भाग होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो संख्या है वो 2 से भाग होती है कि नहीं होती है। तो संख्या में इकाई अंक क्या है, 4। अब हमने पढ़ा जिन संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो संख्या 2 से भाग होती है। तो यहां 4 है तो इसका मतलब ये 2 से भाग होगी, अतः यह 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता हम कैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं अंकों का योग लेते हैं। आपको याद होगा विभाज्यता की जांच जब हमने 3 से की थी तो हमने क्या किया था, अंकों को जोड़ा था, संख्या में अंकों का योग कितना है, 2, 9, 7, 1, 4, 4 सबको जोड़ना है, 2, 9, 7, 1, 4, 4 2, 9, 11, 7, 18, 18, 1, 19, 19, 4, 23, 23, 4, 27 चेक कर लेंगे, 4, 4, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25, 2, 27। अब जो 27 है वो क्या है, 3 का गुणज है, 27 3 का क्या है, गुणज, कॉमा लगाना है। अतः संख्या 3 से
विभाज्य है, मतलब भाग होती है। देखो बच्चों, हमने निष्कर्ष निकाला कि संख्या दो से भी भाग होती है और तीन से भी भाग होती है। अब जो संख्या दो और तीन दोनों से भाग होती है तो वो छह से भी भाग होगी। इस प्रकार दो लाख 97,144 कॉमा छह से विभाज्य है, छह से विभाज्य है। तो इस तरह से आपने हल करने हैं प्रश्न नंबर तीन के सभी भाग। चार में देखना है आपने 11 से विभाज्यता। देखिए 11 से विभाज्यता के लिए आपको बताया था कि आपने सम स्थान के अंक लेना है, उनको जोड़ना है, और विषम स्थान के अंक लेना है, उनको जोड़ना है, फिर दोनों का अंतर ज्ञात करना है। देखिए मैं एक प्रश्न लेता हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर चौथे का डी, जिसमें विभाज्यता की जांच के नियम का प्रयोग करके बताना है कि संख्या 11 से भाग होती है या नहीं होती है। तो 11 से विभाज्यता की जांच हमने पढ़ा था कि जिस संख्या के समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य या 11 से विभाज्य है, वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो लीजिए हम समस्थान के अंकों का योग लेते हैं। समस्थान पर 2, 4, 6, 8, दूसरे चौथे छठे और आठवें नंबर पर हम इकाई से शुरू करते हैं। इकाई पहला, दहाई दूसरा, सैकड़ा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो सम स्थान वाले अंक हुए दूसरे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 9, छठे स्थान पर 1 और आठवें स्थान पर 7। इनको जोड़ लिया मैंने, 0, 9, 1, 7, 9, 1, 10, 8, 17। अब विषम स्थान के अंक पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर और सातवें स्थान पर है, 8, 3, 6 और 0। जोड़ के कितना आएगा, 8, 3, 11, 6, 17। अब जो दो योग आए ये, इन दोनों को क्या करना है आपने, अंतर माइनस, और माइनस करके क्या आया, 0। और नियम में हमने बताया था अगर अंतर 0 आता है या 11 से विभाज्य है अंतर, तो संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर अंतर 0 आ गया, और अंतर 0 है तो 0 11 से भाग होता है, तो 11 से विभाज्य है, अतः जो संख्या है 7,01,69,308, ये भी 11 से विभाज्य है। तो बच्चों, आज 3.3 के सभी प्रश्न आप हल करेंगे और उसका फोटो निकालकर मुझे भेजेंगे। जिन दो बच्चों ने होमवर्क पूरा किया उन्हें दोबारा हल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ रिवीजन करेंगे।